10% सामान्य जाति को आरक्षण मुद्दे पर प्रताप करके अंतु थाना क्षेत्र के किठावर बाजार के लोगों की अलग अलग समुदायों के लोगों की अपनी अलग अलग राय। प्रताप करके अंतु थाना क्षेत्र के किठावर बाजार के लोगों की अलग अलग जात समुदाय के लोगों की अलग अलग अपनी अपनी राय देखने को मिली। 10% सामान्य जातियों का आरक्षण के मुद्दे पर लोगों की राय जानने के लिए हमारे रिपोर्टर निकल पड़े अंतु थाना क्षेत्र में। दलित समुदाय की स्वर्ण समाज समुदाय एवं यादा समाज की राय पूछी गई तो कोचिंग पढ़ने वाले नवयुवक स्टूडेंटों ने अपनी अलग अलग राय दी। बीए के स्टूडेंट अरविंद सरोज, सुभाष सिंह, राम सिंह यादव, सत्यम जयनाथ, पवन कुमार व अन्य बहुत से किसानों ने ज्यादातर ने मोदी के पक्ष में अपने बयान दिए, तो वहीं कुछ लोगों ने मोदी के ऊपर नाराजगी जताते हुए भी कहा। 2019 का लोकसभा का चुनाव भी बताएगा कि लोगों की राय में कितना दम है और कहां तक लोगों की राय सच साबित होती है। सर बताए आप, बताइए जो है कि जिस तरह समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन हुआ है, 10% सबल लोगों को आरक्षण मिला है, आपको क्या कहना है? आने वाला सरकार किसकी होने वाली है? ये दोनों पार्टी पहला नंबर प्योर है। हम मोदी के कुछ न कह पाइए, हाँ ये डीजल 40 रुपये लीटर हो गया तब। अब आपके हम क्या हम बताए मोदी का सर, जिस तरह से सपा बसपा गठबंधन हुआ है, मोदी सरकार के सरकार पर क्या फर्क पड़ने वाला है? इतना फर्क पड़ेगा है कि जनता किसान जो है इतने परेशान है कि मोदी जो है कोनो काम के नहीं लाया, कहा बल्कि किसान जो है परस्त हो चुका है, इनका ये वोट न दी है आपके देश के नाम पर। देश के नाम पर वोट मांगे रहे हर 10 दिन के बाद, मुलाक की एक वोट देश के नाम पर न दी जाए। जनता इतना बेवकूफ नहीं बा, जनता इतना चलाक है जितना चाहे ना। सर क्या नाम है सर आपका? पवन कुमार सिंह। जा बताया सर, कुछ दिन पहले जैसे 10% सबल लोगों को आरक्षण मिला है सर, इस आरक्षण मुद्दे पर सर आप स्टूडेंट लोगों को कैसा महसूस हो रहा है, क्या नई रास्ता दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है सर। आप जो है इस बार जो है जैसे सपा बसपा गठबंधन जो हुआ है, इस पर सरकार किसकी आने वाली है 2019 मोदी जी के साथ में, आप लोगों का वोट किसके साथ रहेगा? थैंक यू सर। जो क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम सिंह। पूरा नाम क्या है सर? सरोज। सर जो सपा और बसपा का गठबंधन हुआ है, इस पर नरेंद्र मोदी की सरकार पर कितना फर्क पड़ेगा, किसकी सरकार आएगी सर, क्या है? जिसकी किस्मत होगी, जिसकी जनता चाहेगी वही सरकार बनेगी। जी जी, और सर क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? बस किस्मत की बात है सर, मतदाता जिसको वोट ही देगा सर वही जीतेगा। आप क्या राय है सर, किस पर ज्यादा पल्ला भारी रहेगा, कौन सी सरकार आ सकती है इस बार दिल्ली में? सरकार में जो है मोदी की सरकार आ सकती है, बात नहीं। थैंक यू सर। क्या नाम है, कौन से क्लास के स्टूडेंट हैं, कौन से क्लास में? हमारा नाम सत्यम उमर बैस है, हम क्लास 12 में पढ़ते हैं। जिस तरह से आरक्षण मिला है 10% लोगों को, आप स्टूडेंट लोगों में क्या सोच है, और सरकार भारतीय जनता पार्टी और जो समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की टक्कर होने वाली है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? ये टक्कर जो भी हो, लेकिन मोदी जी का पर्दा भारी रहेगा इसमें, क्योंकि मोदी जी ने हमें भी आरक्षण दिया और आगे बहुत ही अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, जिसके कारण इन्हें आगे चल के यही जीतेंगे। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? ऋषभ सिंह। कौन से क्लास के स्टूडेंट हैं आप? 12वीं में पढ़ता हूँ। जिस तरह से 10% आरक्षण कुछ दिन पहले मिला है, आप लोगों में क्या उत्साह है और क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे सभी सवर्ण साथी इसके लिए माननीय से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया। इस पर बहुत चर्चाएं हैं हमारे यहाँ, बहुत सब खुशी हैं, धन्यवाद करते हैं उनका, इससे हमें बहुत लाभ मिलेगा आगे चल के। सपा बसपा गठबंधन पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए गठबंधन तो हो रहा है, ये अब लोगों की राय है, अब कुछ कह नहीं सकते कौन जीतेगा ये सब। थैंक यू सर।
सर जैसे 10% जो आरक्षण कुछ दिन पहले मिला है, इस आरक्षण पर आने वाली जो चुनाव है लोकसभा पर, मोदी सरकार पर कितना फर्क पड़ेगा? सपा बसपा का जिस तरह गठबंधन हो गया है, आने वाली सरकार पर कितना फर्क पड़ेगा, क्या असर दिखाई देगा? देखिए, ऐसा है कि 10% जो आरक्षण हुआ है ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब इससे जो है और किसी के आरक्षण पर कोई नुकसान भी नहीं है, परसेंटेज सब लोगों का सही है, इससे मोदी के ऊपर खास असर पड़ने वाला नहीं है। और सपा और बसपा का जो गठबंधन है वो कोई बहुत कामयाब नहीं होगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जनरान सिंह है। सर आपका समर्थन किसके साथ रहेगा? हमारा समर्थन तो मोदी के साथ है, बीजेपी के साथ है, इसलिए कि जो ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपका सहयोग किसके साथ रहेगा? आने वाली सरकार किसकी होगी? कौन सी सरकार आएगी केंद्र में? अरे मोदी का हमारा सहयोग। थैंक यू सर। आपका क्या नाम है? अमित कुमार सरोज। कौन से स्टूडेंट हैं? हम आते हैं दलित में जी। हम अभी बीए ग्रेजुएशन कर रहे हैं। जिस तरह बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन हुआ है, लोकसभा के चुनाव में क्या असर दिखने वाला है आपको? सर बहुत बहुत ही इसमें कड़ी टक्कर होने वाली है, और ये तो वो लड़ाई में आ गए हैं अब काफ़ी ज़्यादा। जिस तरह से सवर्णों को आरक्षण दे दिया गया 10%, कुछ असर दिखने वाला है कि नहीं है? हाँ, स्वर्ण में देखो, हम एक दलित हैं और इससे हमें दिक्कत नहीं है, आरक्षण होना चाहिए क्योंकि उसमें भी बहुत गरीब हैं और जिन्हें मौका नहीं मिलता, आगे आने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें इसमें दिखाया गया है कि 8 लाख लोग मतलब कमाने वाले लोग गरीब हैं, पता नहीं कैसे सोचते हैं वो। 8 लाख लोग जब कमाते हैं वो गरीब हैं, तो फिर जो मजदूरी कर रहे हैं, जो 2-2.5 लाख भी नहीं कमा पा रहे हैं, वो लोग कौन से हैं? ऐसे में बहुत ज़्यादा सभी तो फिर गरीब, काफ़ी हद तक गरीब, 90% गरीब ही हैं, 90% ज़्यादा 80। आइए हम जानते हैं कि सवर्ण स्टूडेंट से क्या है उनकी राय इस प्रतिक्रिया पर।